दोस्तों एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है टोनी के मार्क वन सूट के एआई को, जिसे आयरन स्कल ने चोरी कर लिया होता है। मोर्डोक सूट के एआई को हैक करता है और उसे रेड स्कल को सौंप देता है। रेड स्कल बोलता कि मुझे कबाल और एवेंजर्स के बीच की फुटेजेस दिखाओ। एआई फुटेजेस दिखाते हुए बोलता कि मुझ में एक ऐसा प्रोग्राम है जो लड़ाई के डेटा को इकट्ठा करके एनालाइज करता है, जिससे एक प्रेडिक्टेबल स्ट्रेटेजी बनाई जा सके जो युद्ध में काम आए। जिस पर रेड स्कल बोलता है, कंप्यूटर इसका इनपुट चेंज कर दो और एवेंजर्स की जगह कबाल कर दो। इसके बाद कंप्यूटर काम में लग जाता, यहाँ पे कंप्यूटर एनालाइज करता तो उसे पता चलता है कि कुछ कमियां हैं। तभी वहाँ पे मॉडक आता और पूछता, क्या वो तुम्हें मिल गया जो तुम्हें चाहिए था? रेड स्कल बोलता, हाँ बिल्कुल, मुझे वो सब मिल गया जो मुझे चाहिए था। इसमें मेरे हर सवाल का जवाब है जो कि मुझे खुद टोनी ने दिया है। मॉडक कबाल के सभी मेंबर्स को बुला, जिसके बाद हमें कबाल के सभी मेंबर्स की मीटिंग दिखाई जाती है, जिसमें अटूमा जानवरों की तरह खा रहा था। ये बात ड्रैकुला को पसंद नहीं आती और ड्रैकुला और अटूमा में लड़ाई हो जाती है। यहाँ पर मॉडक भी अपने एडेप्टॉइड के साथ उनसे लड़ने लगता है। तभी वहाँ पर रेड स्कल आता है और कबाल को लड़ता देख एआई से बोलता, इनका काउंटर निकालो। रेड स्कल एक छोटा सा हमला करता है, जिससे रेड स्कल कबाल के सभी मेंबर को हरा देता है। यहाँ पर ड्रैकुला बोलता है, रेड स्कल तुम्हारे पास आज से पहले ऐसी काबिलियत नहीं थी, तुमने हमें कैसे हराया? स्कल कबाल और एवेंजर्स के बीच की लड़ाई को दिखाते हुए बताता, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे टोनी ने कबाल को हराने के लिए बनाया था, लेकिन हम इसकी मदद से अब एवेंजर्स को हरा सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा, तभी हम जीत सकते हैं। और इसके साथ ही सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें कबाल को दिखाया जाता है। रेड स्कल ड्रैकुला की मदद से वॉशिंगटन डीसी में अनाउंसमेंट करता है कि अपने लीडर्स को हमारे हवाले कर दो और हमारी गुलामी एक्सेप्ट करो। रेड स्कल अपनी स्पीच खत्म करता और बोलता, कबाल अपने काम पे लग जाओ। जिस पर ड्रैकुला बोलता, इस पर रेड स्कल अगर तुम फेल हुए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद ड्रैकुला गायब हो जाता है और कबाल मिलकर वॉशिंगटन डीसी की फौज पर हमला करने लगते हैं। यहाँ पर रेड स्कल की सूट का एआई प्रेडिक्शन करता है कि थॉर और हल्क सबसे पहले पहुंचेंगे, वो भी 2 मिनट में, और होता भी ठीक वैसा ही है। थॉर और हल्क सबसे पहले वॉशिंगटन डीसी पहुंच जाते हैं, जिसके बाद कैप वहां पर पहुंचता है, जो आते ही रेड स्कल को मुक्का भर देते हैं और बोलते हैं, रेड स्कल तुम पागल हो गए जो वॉशिंगटन डीसी पे हमला कर रहे। तभी रेड स्कल रिपल्सर से हमला करने जाता है, लेकिन आयरन मैन उसे उड़ा देता है। इसके बाद हमें थॉर और हल्क को दिखाया जाता है जो मिलकर अटूमा को पीट रहे होते हैं, जबकि दूसरी तरफ फैल्कन एडेप्टॉइड को मिलकर हॉकआई और नताशा के साथ संभाल रहा था। यहाँ पर नताशा बोलती है, पहले कभी मैंने कबाल को इस तरीके से टीम वर्क में काम करते हुए नहीं देखा। दूसरी तरफ रेड स्कल को कैप, आयरन मैन और फैल्कन ने घेर लिया होता। यहाँ पर रेड स्कल अपनी टीम को बुलाता, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है, तो रेड स्कल सबमरीन का सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड ऑन करके निकल जाता है। पर रेड स्कल की फूटी किस्मत सबमरीन के कुछ पार्ट्स आकर उसे लगते हैं और वो घायल हो जाता है। रेड स्कल अपनी मदद के लिए मॉडक, अटूमा, ड्रैकुला सभी को आवाज लगाता है, लेकिन कोई भी वहां पर नहीं आता। तभी वहां पर एवेंजर्स आ जाते हैं। यहां पर रेड स्कल बोलता है, मैंने उन पर विश्वास करके गलती की। जिसके बाद हमें दूसरे ही पल शील्ड के हेलीकैरियर पर रेड स्कल को कैद दिखाया जाता है। टोनी बोलता, फ्यूरी कोई भी रेड स्कल के सूट को नहीं छुएगा, क्या पता वो किसी तरीके का जाल हो। हल्क बोलता, मैं उतारूंगा, और हल्क उतारने जाता है, लेकिन हल्क को यहाँ पे एक जोरदार शॉक लगता है। कैप बोलते, शांत हो जाओ हल्क, और टोनी जरूर कुछ गड़बड़, रेड स्कल को पकड़ना काफी आसान था। कैप की बात का नताशा भी समर्थन करती है और बोलती है कि कबाल अभी भी बाहर है। टोनी कहता, ठीक है, मैं तुम्हारा इशारा समझ गया, मैं और फैल्कन जाकर सबमरीन की जांच करते हैं, तुम जाकर कबाल को ढूंढो। कैप बोलते, टोनी रेड स्कल को अकेले छोड़ना खतरे से खाली नहीं है, मैं यहाँ पर रुकता हूँ। जिसके बाद सभी एवेंजर्स वहाँ से निकल जाते हैं। कैप बोलते, रेड स्कल मैंने आज तक अपनी टीम के लिए तुम्हें कभी भी अपनी खुद की जान खतरे में डालते हुए नहीं देखा है, जरूर कुछ गड़बड़ है। जिस पर रेड स्कल बोलता है, कैप तुम मुझे कितने अच्छे से जानते हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तभी वहाँ पर ड्रैकुला पहुंच जाता है, जो आते ही कैप पर हमला कर देता है, रेड स्कल को आजाद कर देता है। जिसके बाद ड्रैकुला कैप की तरफ खून पीने के लिए बढ़ता है, लेकिन रेड स्कल ड्रैकुला को बीच में ही रोकते हुए बोलता, अभी नहीं ड्रैकुला, और ड्रैकुला यहाँ पर कैप को मुक्का मार कर बेहोश कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें फैल्कन और आयरन मैन को दिखाया जाता है। आयरन मैन को कबाल की शिप पर डेटा क्रैक्स मिल जाता है। आयरन मैन तुरंत कैप को कॉल करता है, लेकिन कैप का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, और हमें मॉडक को दिखाया जाता है जो शील्ड के हेलीकैरियर पर हमला कर रहा होता है कबाल के साथ मिलकर। तभी वहाँ पर रेड स्कल भी पहुंच जाता है और वो फ्यूरी को नॉकआउट कर देता है। मॉडक बोलता है कि हमें कोर्ट्स की जरूरत है जो कैप के पास। कैप का नाम सुनकर ड्रैकुला हमला करते हुए बोलता, वो सैनिक मेरा। यहाँ पर रेड स्कल सभी को शांत करने की कोशिश करता। तभी आयरन मैन एवेंजर्स को लेकर शील्ड के हेलीकैरियर तक पहुंच जाता है। यहाँ पर नताशा बोलती, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। जिसके बाद हमें रेड स्कल को दिखाया जाता है जो अटूमा को हल्क से, ड्रैकुला को थॉर से लड़ने के लिए भेजता है और स्पेसशिप को कई हिस्सों में डिवाइड कर देता है। अटूमा वाला हिस्सा समुद्र में जाता है, जबकि ड्रैकुला वाला हिस्सा दूर स्पेस में पहुंच जाता है, जहाँ पर ड्रैकुला अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर पा रहा होता है। नताशा फैल्कन हॉकआई रेड स्कल से लड़ने जाता है, लेकिन रेड स्कल मॉडक को उनके भरोसे छोड़कर चला जाता है, लेकिन बाहर निकलते आयरन मैन रेड स्कल पर हमला कर देता है। आयरन मैन पर रेड स्कल ही सरप्राइज अटैक कर देता है। इसके बाद रेड स्कल कैप को आयरन मैन के सामने ही स्पेसशिप से फेंक देता और बोलता है, तो
बताओ तुम किसे चुनोगे, मुझे या कैप को। टोनी बोलता कभी कभी मुझे हिसाब लगाना अच्छा नहीं लगता और वो कैप को बचाने के लिए निकल जाता है। पर कुछ ही देर में टोनी समझ जाता है कि वो अकेले ये नहीं कर सकता, इसीलिए वो हल्क और थॉर को मदद के लिए बुलाता है। दोनों की दोनों लड़ाई छोड़कर तुरंत आयरन मैन के पास पहुंचते हैं और सही समय पर पहुंचकर कैप को बचा लेते हैं। कैप उतरते ही बताते हैं टोनी ट्राई कैरियर पर तो हमला करना एक बहाना था, तुम कैसे भूल सकते हो कि हमने ट्राई कैरियर पर किसे कैद किया था। टोनी बोलता ओ शिट, जिसके बाद हमें कबाल को दिखाया जाता है। रेडस्कल बोलता दोस्तों कबाल के नए मेंबर हाइपीरियन से मिलो। और दोस्त उसके साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आपको एपिसोड कैसा लगा जरूर बताए, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।